गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस अगर आप लोग न्यू पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, अगर ऑनलाइन कर दिए हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र पे क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो हम आपको बतलाएंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि पहले क्या क्या चीज़ लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी हम आपको बतलाने जा रहे हैं। पहली चीज, आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए जो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाने के लिए, इस पे टाइमिंग दिया रहता है, तो ये आप जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन कराओगे उस टाइम आपको मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने के लिए, अंदर जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए जो SENR पासपोर्ट बनवाने के लिए लगता है। अगर आपका इंटर का है तो इंटर का भी लगा सकते हो, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। उसके बाद से आप पैन कार्ड लगाना चाहते हो तो पैन कार्ड भी लगा सकते हो। आधार कार्ड आपको लगाना है, आधार कार्ड आप देख सकते हो कि ये साइन वाला जो आधार कार्ड है वही आधार कार्ड लगाना है आपको, बड़ा वाला। उसके बाद से अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी लगा सकते हो, नहीं तो आप किसी भी बैंक का पासबुक लगा सकते हो जिसमें डिटेल, एक हफ्ते का स्टेटमेंट हो वो लगा सकते हो आप लोग। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा सब के नीचे, सब डॉक्यूमेंट्स के नीचे आप लोग को यहाँ पे साइन कर लेना है। और साइन के बाद आप लोग का जो टाइमिंग दिया रहेगा यहाँ पे, वो हिसाब से आपको वहाँ पे गार्ड आवाज़ देगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे लाइन में लग के खड़ा रहना है। और उसके बाद से आप लोग को वहाँ पे जाना है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा टाइमिंग इसमें दिया है 3:45 का, तो जिस हिसाब से टाइमिंग रहता है उस हिसाब से आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आप जाओगे नीचे तो रिसेप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप लोग को ID दिखाना होगा और उसके बाद से वो लोग वहाँ पे बतलाएंगे कि हाँ आपको कहाँ पे जाना है। और उसके बाद से ये तीन काउंटर होता है, तीन काउंटर पे जाना होता है, उसके बाद से आपका जो प्रोसीजर हो वो फाइनल हो जाता है। तो पहले आपको जाना है फर्स्ट काउंटर पे, वहाँ पे आपका फोटो होगा, फिंगरिंग होगा, उसके बाद से वहाँ से वो बतलाएंगे। तो आपको सेकंड पे जाना है, सेकंड पे जाने के बाद से आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो सेकंड पे जाना है बी केबिन में, वहाँ पे आपको जो ID है वो वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से आपको वहाँ से सी टाइप में जाना है, सी ब्लॉक में, वहाँ पे आपका ID फिर से वेरिफिकेशन होगा और फोटो मैचिंग होगा। उसके बाद से वहाँ से साइन करेंगे और आपको वहाँ से बाहर आ जाना है। तो आप लोग का एक मैं बतला दे रहा हूँ कि आप लोग जो भी जीरोक्स है और ये ID है, आप लोग घर से ही पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो जीरोक्स करा के, कॉपी करा के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट होती है, 2 रुपये की चीज़ को वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं। तो आप लोग अगर ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है PCC के लिए, जो PCC कैसे होता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।